अडानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बुधवार को स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रेड की। इन टीमों ने हिमाचल में अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोरों पर कार्यवाही की। एक्साइज महकमे के साउथ एनफोर्समेंट जोन की टीम बुधवार देर शाम को परवाणू में अडानी के स्टोर पर पहुंची। सूत्रों की माने तो एक्साइज महकमे की टीमों ने गोदाम में स्टॉक का जायजा लिया और संबंधित कागजात की जांच की। बताया जा रहा है कि जांच में टैक्स लिबेलिटी का कैश में भुगतान न करना संदेहजनक है। देर रात तक गोदामों में दस्तावेजों की जांच चलती रही। हिमाचल में अडानी ग्रुप की कुल 7 कंपनियां काम कर रही है। इसमें फलों के कोल्ड स्टोर के अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर करियाना सामान की सप्लाई भी अडानी ग्रुप की कंपनियां करती हैं। प्रदेश में सिविल सप्लाई के साथ साथ पुलिस विभाग में भी अडानी ग्रुप सामान सप्लाई करता है। अडानी ग्रुप के साथ सरकारी महकमों को सामान सप्लाई के ज्यादातर समझौते पिछली बीजेपी सरकार के समय हुए हैं। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मौजूदा कांग्रेस सरकार और अडानी ग्रुप के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे। अडानी ग्रुप ने ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई किराए को लेकर चल रहे विवाद के चलते 2 महीने से हिमाचल में अपने दोनों सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन बंद कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली राज्य सरकार दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के कई प्रयास कर चुकी है, मगर दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने से इस विवाद का फिलहाल कोई हल नहीं निकल पा रहा है। सीएम कह चुके हैं कि अडानी ग्रुप के अड़ियल रवैये के चलते इस विवाद का हल नहीं निकल पा रहा। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्यवाही के लिए लीगल ओपिनियन ले रही है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।